हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला की चटपटी चटनी। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आंवला जो कि विटामिन सी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स है और जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। सर्दियों के दिनों में आंवला बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। हमें लगभग रोज़ एक आंवला कैसे भी कंज्यूम करना चाहिए। तो आइए बनाते हैं आंवला की चटपटी चटनी। सबसे पहले मैंने यहाँ 8 से 10 आंवले ले लिए। इन आंवलों को मैं ऐसे स्लाइस में काट के इनकी गुठलियों को अलग कर लूँगी। अब मैंने पैन पे 1 चम्मच तेल गरम कर लिया। जैसे ही तेल गरम होता है मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाला। अब मैं लगभग इसमें 2 चुटकी हींग डालूँगी। ये अच्छे से सौटे हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच उड़द की दाल। इन सबको स्लो फ्लेम पे अच्छे से सौटे कर लिया। इन सबको हमें स्लो फ्लेम पे ही सौटे करना है। अब मैं इसमें डालूंगी लगभग 8 से 10 कली लहसुन की। लहसुन को भी हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच धनिया, सूखा खड़ा धनिया। इस धनिए से चटनी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसे भी हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। इन सब मसालों को भूनते समय फ्लेम को स्लो पे ही रखिए। अब मैं इसमें डालूंगी 5 से 7 करी पत्ते। करी पत्तों को भी हमें स्लो फ्लेम पे भूनना है। अब मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाली है। आप अगर तीखा खाते हैं तो आप चाहें तो इसमें 4 या 5 या अपने हिसाब से जितनी भी हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें कटे हुए आंवले डाल दिए। आंवलों को हम इसमें स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 2 से 4 मिनट तक अच्छे से सौटे कर लेंगे। तो देखिए आंवले हमारे सौटे हो रहे हैं, इनका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाएगा। अब देखिए हमारा आंवला जो है सौटे हो चुका है। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके ग्राइंड कर लूँगी। मैंने मिक्सर ग्राइंडर में आंवला डाला और ये हरा धनिया, हरे धनिया की मैंने ये डंडियाँ भी डाली है, बिकॉज इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो पत्तियों के साथ डंडी का भी इस्तेमाल करिए। मैंने इसमें लगभग 1 मुट्ठी धनिया लिया है और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसे ग्राइंड करके इसकी चटनी बना लूँगी। तो तैयार है हमारी आंवले की चटनी। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।